सेमेस्टर्स क्यों होते हैं, या फिर यूं कहें सेमेस्टर्स क्या होता है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन रुको जरा, क्या आप पहली बार चैनल पे आए हो तो एक बार चैनल को विजिट कर लेना, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाता हूँ, तो सब्सक्राइब तभी करना जब आपको कंटेंट पसंद आए। तो देखिए, अब बात करते हैं सेमेस्टर्स की। सेमेस्टर्स क्या होता है? सेमेस्टर देखिए होता यह है, आप मैं पहले यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ सेमेस्टर का मतलब क्या होता है, उसके बाद आपको बताएंगे सेमेस्टर क्यों होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जब आप 10th में या 12th में या 11th में होते हो, तब आपकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो हाफ ईयरली होते हैं, राइट? और ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जब आप किसी कॉलेज में जाते हो, लाइक आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, अंडर ग्रेजुएशन क्या होता है, मैंने इस टॉपिक पर अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप कॉलेज में हो और यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप जानते हो आप कॉलेज में तब एंट्री करते हो जब आपको कोई डिप्लोमा या डिग्री करनी होती है। लाइक आप अगर ऐसे मान लीजिए डिग्री कर रहे हो, लाइक बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो यहाँ पर जब आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का सिस्टम होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है ईयरली, जिसको हम ईयरली बेस्ड एग्जाम पैटर्न कहते हैं, और यहाँ पे ये साल में एक बार एग्जाम्स होते हैं। लाइक आप बीएससी कर रहे हो तो ये 3 साल का कोर्स होता है, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ वो फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा और लास्ट ईयर में होगा, यानी थर्ड ईयर में होगा, राइट? लेकिन यही यदि आपका जो है हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि आपको जो है जो भी कॉलेज में हो आप, आपके एग्ज़ाम अगर 6 मंथ में होते हैं एक बार, तो साल में 2 बार एग्ज़ाम हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपके स्कूल या कॉलेज में या जो आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं उसमें सेमेस्टर चलता है। और जो सेमेस्टर का मतलब होता है वो सिंपली यही होता है कि जो आपका एग्ज़ाम 6 मंथ में होता है वही होता है आपका सेमेस्टर। और ये सेमेस्टर्स होता क्यों है, मैं भी आपको यहीं भी बता दूं कि सेमेस्टर जैसे आप डिप्लोमा या डिग्री करते हो, क्योंकि डिप्लोमा में भी कुछ जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 1 साल से लेकर 3 साल तक के हो सकते हैं, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होती है, और यहीं पर डिग्री कोर्स लाइक बी ए, बी एस सी, बी कॉम, बी टेक, जितने भी डिग्रीज होती हैं कर रहे हो, तो आपका जो एग्ज़ाम्स होता है लाइक आपका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वास्ट होता है, और इसको स्टडी करने के लिए जो है आपको इसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर दिया जाता है, और जो आपका एग्ज़ाम्स होता है वो भी छोटे पैटर्न यानी 6 मंथ में डिवाइड कर दिया जाता है। सो इसीलिए किया जाता है क्योंकि आपको जैसे आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो तो डिग्री जो करते हो सो 3 साल का होता है, जिसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, इसीलिए सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपको जो है आपको कोई भी सब्जेक्ट को कवर अप करने में ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि आप यहीं पे नॉर्मल या 11th या 12th में होते हो तो 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब आप डिग्री करते हो तो यहाँ पर आपको 3 साल देने पड़ते हैं, तो जो आपको 3 साल देना पड़ता है तो ऐसे में स्टूडेंट पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं। और सेमेस्टर में ये होता है कि आपको जो सिलेबस होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है, राइट? तो ऐसे में स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी होती है, और ये जो आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होता है इससे काफ़ी हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सेमेस्टर होता क्या है। अगर आप पे कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट्स में बेझिझक पूछ सकते हो, टेलीग्राम में सवाल कर सकते हो, आप पे कोई भी डाउट क्वेश्चंस या सजेशंस हैं। और यहाँ पर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको कंटेंट पसंद आए। हाँ, वीडियो को लाइक बेसिक कर देना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो इसे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते हैं स्टूडेंट आईक्यू यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।